गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स में एक्सरसाइज कराऊंगी। तो ये देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी काउंट एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम ऑफ गिवन पिक्चर। तो आपको जो पिक्चर दी हुई है उनके आपको नंबर लिखने हैं काउंट करके और उनके नंबर के नेम लिखनी है। जैसे ये कितनी बॉल हैं, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर 7 बॉल हैं तो यहाँ नंबर लिखेंगे पहले 7, और फिर 7 का नंबर नेम क्या होता है, SEVEN, SEVEN। ऐसे नेक्स्ट है, अब इस पिक्चर को काउंट करिए कितनी है, 1, 2, 3। तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 की स्पेलिंग क्या होती है, THREE। इसी तरह से आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। ये देखिए, दूसरी एक्सरसाइज है आपकी असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने आपको पहले भी समझाए थे, चलिए अब एक बार फिर से समझाती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या। पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ओके, तो अब ये 4 आपको नंबर दिए हैं, 8, 12, 20 और 7। अब इन चारों में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो आप लोग पहले देखिए, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1, 2 डिजिट है, इसमें 2, 0, 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। तो 2 डिजिट वाले नंबर बड़े हो गए। इन दोनों को आप बाद में राइट करेंगे, पहले अब इनमें से देखिए 8 और 7। 8 और 7 में कौन सा वाला नंबर छोटा है, तो जो नंबर पहले आता है काउंटिंग पढ़ने में वो नंबर छोटा होता है। तो आप लोग काउंटिंग पढ़ के देखिए, 7 नंबर छोटा है या 8 नंबर छोटा है। तो काउंटिंग पढ़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले क्या आया, 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। अब इसको पेंसिल से अपने कट कर लीजिए। अब कितने नंबर बचे आपके पास, 3। यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट और यहाँ पे भी 2 डिजिट। तो 1 डिजिट वाला नंबर छोटा होगा, तो आप लोग पहले से 8 को यहाँ से कट करके यहाँ लिख लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए, अब इसमें भी 2 डिजिट हैं और इसमें भी 2 डिजिट हैं। अब कौन सा नंबर दोनों में छोटा होगा बताइए। अब इसका पहला वाला नंबर देखिए, इसमें 1 है और इसमें 2 है। अब आप इन दोनों में देखिए, 1 छोटा होता है या 2 छोटा होता है, तो काउंटिंग पढ़िए, पहले जो आएगा वो नंबर छोटा होगा। तो काउंटिंग पढ़ के देखिए, 1, 2, तो पहले कौन सा आया, 1, तो 1 वाला नंबर, 1 वाली डिजिट यहाँ लिखेंगे, इसको कट कर देंगे। अब कौन सी नंबर बचा, 2, 0, 20, 2, 0, 20 यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा नंबर 7, फिर 8, फिर 12 और फिर 20। अब इसमें ऐसे ही बच्चों आगे भी आपको ये नंबर दिए हुए हैं, 11, 5, 18, 13। अब इन तीनों में देखिए, इसमें 2 डिजिट, इसमें 1, इसमें भी 2 डिजिट है और इसमें भी 2 डिजिट है। इनमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। इसमें 1 है ना, तो ये नंबर आपको पता है कि 1 डिजिट वाला नंबर छोटा हो गया। तो पहले 1 डिजिट वाला नंबर आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए अब इन तीनों में 2 डिजिट हैं, तो अब इसमें कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले आगे का नंबर देखेंगे। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तीनों में 1 1 है। अब कैसे पता लगाओगे आप लोग कौन सा नंबर छोटा है, तो अब लास्ट वाला नंबर देखते हैं। इसमें 1 है, इसमें 8 है और इसमें 3 है। अब ये बताइए, ये छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, 8 होता है या 3 होता है,
तो जो काउंटिंग पढ़ने में पहले नंबर आता है वो नंबर छोटा होता है। तो काउंटिंग पढ़ के देख लीजिए पहले क्या आ रहा है, वन, ये तो पहले ही नंबर पर आ गया। फिर टू, थ्री, थ्री बाद में आया। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट भी बाद में आया। तो सबसे पहले क्या आ गया, वन। तो ये वाला नंबर यहाँ पर लिखेंगे, वन वन एलेवन, इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब इन दोनों में देखिए, इसमें भी वन है आगे, इसमें भी वन है पीछे, देखिए इसमें थ्री है और इसमें एट है। तो अब ये बताइए थ्री पहले आता है या एट, तो काउंटिंग पढ़ के देख लीजिए, वन टू थ्री, एट तो आया नहीं है ना अभी, थ्री आ गया, तो थ्री नंबर छोटा है। तो यहाँ पर इसे लिख लीजिए, इसको कट कर देंगे और लास्ट नंबर बचा वन एट, वो लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। ओके बच्चों, चलिए अब ये दिया हुआ है आपको सिक्स, नाइन, फोर्टीन और फाइव, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग अपने आप लिखेंगे। ओके बच्चों, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग वर्क करेंगे साफ साफ राइटिंग में। ओके बच्चों, बाय बाय, अच्छे से वर्क करेंगे सभी बच्चे।